हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सरलीकरण करेंगे तो हमें बोर्ड मास के नियम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सरलीकरण के जितने भी सवाल होते हैं वो बोर्ड मास पर आधारित होता है। तो हम इसे बोर्ड मास के नियम अनुसार ही हल करेंगे। तो आपको बोर्ड मास के बारे में पता होना चाहिए। बोर्ड मास बी का मतलब दोस्तों कोष्टक यानी ब्रैकेट। तो कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। पहला है रेखा कोष्टक, दूसरा है छोटा कोष्टक, तीसरा है मझोला कोष्टक और चौथा है बड़ा कोष्टक। अगर हमारा क्वेश्चन में ये चारों कोष्टक एक ही बार आया है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे, फिर मझोला कोष्टक को हल करेंगे और बाद में बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ रेखा कोष्टक है तो पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। बी के बाद ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का। तो इस क्वेश्चन में का नहीं है, का मतलब होता है गुना। ओ के बाद डी, और डी का मतलब होता है दोस्तों बोर्ड मास में डिवीजन यानी भाग। तो का के बाद हम भाग करेंगे, फिर एम, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना। भाग के बाद हम फिर गुना का काम करेंगे, फिर यहाँ देखिए ए, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। तो गुना करने के बाद फिर हम जोड़ का काम करेंगे और लास्ट में एस यानी सब्ट्रैक्शन घटाव। तो लास्ट में हम घटाव का काम करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो रेखा कोष्टक में है 3/2 + 1/3, तो हम इसे हल करेंगे। तो हम इसे यहाँ तक ऐसे ही उतार देते हैं ज्यों का त्यों। हम लिखेंगे 5 - (2) - (1/2) + (2) - (1/2) और ये प्लस। तो 3/2 + 1/3 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा है तो इसे हम हल करेंगे। तो हम यहाँ इसे हल कर लेते हैं, 3/2 + 1/3 को हल करेंगे। यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 के बीच, एलसीएम आएगा दोस्तों 6। तो 6 को हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 3। तो 3 से हम ऊपर 3 में गुना कर देंगे तो 3 * 3 = 9। प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसके हर में 3 है और हमारा एलसीएम 6 आया है, तो 6 को 3 से भाग देंगे 2। तो अब हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 * 1 = 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11/6। ठीक, तो हमने रेखा कोष्टक के अंदर 3/2 + 1/3 को हल किया तो दोस्तों ये हो गया 11/6। तो हम यहाँ लिखेंगे 11/6। तो हमने इसे हल कर दिया तो रेखा कोष्टक भी हट गया। अब यहाँ बाकी हो गया छोटा कोष्टक और ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। दोस्तों, हमने यहाँ रेखा कोष्टक का काम कर दिया। अब हम किस कोष्टक का काम करेंगे, छोटा कोष्टक का। तो छोटा कोष्टक में 1/2 + 11/6 है। हम यहाँ तक इसे ऐसे ही उतार लेते हैं और इसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 - (3/4) + (5/2) - (1/2). तो दोस्तों, हम यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे, हम यहाँ 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ से 6। 6 को हम 2 से भाग देंगे 3, तो 3 को हम 1 से गुना कर देंगे तो 3 होगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसके हर में 6 और हमारा एलसीएम भी 6 आया है, तो 6 को 6 से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, यानी 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा। ठीक है, और ये छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक ये और ये बड़ा कोष्टक। अब हम लिखेंगे इसे 5 - (3/4) + (5/2) - (1/2). अब इसे हम हल कर छोटा कोष्टक को हटा देते हैं तो 3 + 11 = 14 और ये बट्टा में 6। तो कोष्टक हट गया और ये हमारा बाकी हो गया मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। दोस्तों, हमने छोटा कोष्टक को भी हल कर दिया। अब हम किस कोष्टक का काम करेंगे, मझोला कोष्टक का। तो मझोला कोष्टक में 5/2 - (14/6) है। यहाँ हम भिन्न का घटाव बनाएंगे तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं, 5 - (3/4) + (5/2) - (14/6). तो यहाँ भी दोस्तों 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 हमारा एलसीएम आएगा। तो 6 को 2 से भाग देंगे 3, तो 3 को 5 से गुना करेंगे 15। यह है कॉन्सेप्ट जब हम एलसीएम लेंगे तो, यानी हमारा एलसीएम 6 आया है और इसके हर में 2 है, तो 2 से हम 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा। तो जो हमारा भागफल आया है उसे हम
ऊपर गुना कर देंगे। तो तीन भाग फल आया है, तो पाँच को तीन से गुना करेंगे 15, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसके हल में 6 और हमारा एलसीएम 6 आया है, तो 6 को 6 से भाग देंगे 1, तो 1 से हम ऊपर 14 को गुना कर देंगे, तो 14 × 14 हो जाएगा। और ये मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक, तो हम लिखेंगे 5 माइनस बड़ा कोष्टक 3/4 प्लस। अब हम यहाँ इसे माइनस करके मझोला कोष्टक को हटा देते हैं। अब ये बाकी रह गया बड़ा कोष्टक। अब दोस्तों लास्ट में हम किस कोष्टक का काम करेंगे, बड़ा कोष्टक का। तो यहाँ देखिए बड़ा कोष्टक में 3/4 प्लस 1/6, तो यहाँ भी हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 5 माइनस ब्रैकेट में देखिए 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो दोस्तों 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, तो 12 एलसीएम आएगा। 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 4 × 3 = 12, तो 3 को हम 3 से गुना करेंगे 9, 3 × 3 = 9 प्लस इसके हर में 6 है, तो 12 को 6 से भाग देंगे 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और ये बड़ा कोष्टक। तो हम लिखेंगे फिर 5 माइनस, अब इसे हम प्लस कर कर बड़ा कोष्टक को हटा देते हैं, 9 + 2 = 11 / 12। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 के हर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 छिपा रहता है, तो 5/1 माइनस 11/12, तो यहाँ हम अब भिन्न का घटाव बनाएंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो 1 और 12 के बीच एलसीएम आएगा 12, तो लिखेंगे हम 12, तो 12 को 1 से भाग देंगे तो 12 होगा, तो 12 को हम 5 से गुना करेंगे, 12 × 5 = 60, तो यहाँ लिखेंगे 60, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसके हर में 12 है और हमारा एलसीएम 12 है, तो 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो 11 के 1 से गुना करेंगे 11। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 0 है तो 1 कहाँ से लेगा, तो 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ बाकी हो गया 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 और 12 × 12, तो इसे हल करने पर दोस्तों हमारा आंसर आया 49/12। दोस्तों आप इसे मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी हम 12 से 49 को भाग देंगे, तो कितनी बार लगेगा, 12 × 4 = 48, 4 यहाँ लिखेंगे 48 माइनस 1। तो दोस्तों पहले हम लिखेंगे भागफल, तो भागफल हमारा है 4, फिर लिखेंगे हम शेषफल, शेषफल है 1 और भाजक है 12, तो आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, 12 × 48 प्लस 1 = 49, 49/12, तो आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बोर्ड मास के नियम अनुसार सरलीकरण के सवालों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 7/4 माइनस बड़ा कोष्टक 3 पूर्णांक 1/8 भागे मझोला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 2 पूर्णांक 3/4 माइनस 11/12 छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक से ये बंद है। तो यहाँ भी हम इस सवाल को बोर्ड मास के नियम अनुसार हल करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये मिश्रित भिन्न है, यहाँ भी ये मिश्रित भिन्न है, तो पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर हम छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो पहला काम दोस्तों हम क्या करेंगे कि मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। हम लिखेंगे 7/4 माइनस बड़ा कोष्टक, तो यहाँ मिश्रित भिन्न है 3 पूर्णांक 1/8। तो दोस्तों मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का कॉन्सेप्ट देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो 8 है ना, 8 को 3 से गुना कर देंगे, 8 × 3 = 24 और ये प्लस 1 कर देंगे तो 25 और 8/8, तो ये हो जाएगा 25/8। तो इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। भागे मझोला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक, यहाँ भी 2 पूर्णांक 3/4 है, तो इसे हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 4 है, 4 को हम 2 से गुना कर देंगे, 4 × 8 और ये प्लस 3, 8 × 3 = 11, 11/4 और ये माइनस 11/12। अब दोस्तों हम इसे आसानी से सरल कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ रेखा कोष्टक नहीं है, छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक है, तो पहले हम बोर्ड मास के नियम अनुसार छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं, हम लिखेंगे 7/4 माइनस बड़ा कोष्टक 25/8 भागे मझोला कोष्टक 6 माइनस और ये छोटा कोष्टक,
तो छोटा कोष्टक में 11/4 - 11/12। तो दोस्तों हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 4 और 12 के बीच एलसीएम आएगा 12, 4 + 3 = 12, 12 + 1 = 12, तो 12 आएगा दोस्तों इसका एलसीएम। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 एलसीएम, तो इसके हर में 4 है, तो 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में कट जाएगा, तो हम 11 को 3 से गुना करेंगे, 11 + 3 = 33, तो यहाँ लिखेंगे 33, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसके घर में 12 है तो 12 को 12 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी 11 को 1 से गुना करेंगे 11। दोस्तों यही है भिन्न का जोड़ घटाव बनाने का कॉन्सेप्ट। एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आया है उसे हम उसके हर से भाग देकर जो संख्या प्राप्त हुआ है उससे हम ऊपर वाली संख्या को गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भिन्न के जोड़ और घटाव में। तो हम लिखेंगे 7/4 - 25/8 भागे मझोला कोष्टक 6 माइनस। अब हम यहाँ माइनस कर कर इस छोटा कोष्टक को हटा देते हैं, तो 33 में से 11 माइनस करेंगे 22 और बट्टा में 12। अब हम मझोला कोष्टक को हल करेंगे, तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 7/4 - 25/8 भागे मझोला कोष्टक, 6 के हर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 छिपा रहता है, तो यहाँ भी हम भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 12, तो 12 को 1 से भाग देंगे तो 12, तो 12 को हम 6 से गुना करेंगे, तो 12 × 6 = 72, ठीक है। माइनस 12 से 12 को भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी 22 को 1 से गुना करेंगे तो 22 होगा, और ये मझोला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ 7/4 - 25/8, यहाँ बड़ा कोष्टक है, भागे, अब हम इसे माइनस कर कर यहाँ से मझोला कोष्टक को हटा देते हैं, तो 72 में से 22 माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, यानी 50 हो जाएगा, और बट्टा में ये 12, तो मझोला कोष्टक हट गया, तो क्या बाकी रह गया हमारा बड़ा कोष्टक। अब हम बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, तो हम लिखेंगे 7/4 - बड़ा कोष्टक, तो यहाँ है 25/8 भागे 50/12। तो दोस्तों हम यहाँ भिन्न का भाग बनाएंगे, तो भिन्न का भाग बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यहाँ लिखेंगे 25/8, और ये जो भाग का चिन्ह है इसे गुना के चिन्ह में बदल देंगे। तो जैसे ही हम भाग के चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदल लेंगे, तो ये जो बगल वाली संख्या है ना 50/12, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 12/50, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से इसे सरल कर सकते हैं, यानी 25 से 50 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, 25 × 2 = 50। अब हम इस 2 से 12 को भी कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में, 6 बार में, 6 × 2 = 12, तो यहाँ लिखेंगे 6, तो इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से। 6 कितनी बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 + 3 = 6, और 8 4 बार में, 2 × 4 = 8। तो दोस्तों यहाँ ऊपर बच गया 3 और बट्टा में 4, तो हम लिखेंगे यहाँ 7/4 - ऊपर में 3/3 है और बट्टा में 4, तो हमने इसे हल किया तो कोष्टक भी हट गया, 3/4 आया है इसे हल करने पर। अब देखिए यहाँ 7/4 - 3/4, तो इस दोनों का हर बराबर है, तो हम आसानी से अब अंशों घटा सकते हैं, यानी भिन्न का घटा बनाएंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 7 में से 3 माइनस कर सकते हैं, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 और बट्टा में ये 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 होगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 10 पूर्णांक 1/2 - 2 - बड़ा कोष्टक 2 पूर्णांक 1/3 भागे मझोला कोष्टक 3/4 - 1/2 गुने छोटा कोष्टक 2/3 - 1/24 छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक से ये बंद है। तो यहाँ भी हम इसे बोर्ड मास के नियम अनुसार इसे सरलीकरण करेंगे। दोस्तों इसे हल करने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, तो पहले हम इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे।
और साथ ही दोस्तों हम यहाँ क्या कर देंगे, ये जो छोटा कोष्टक है इसे भी हल कर देंगे। तो 10 पूर्णांक 1 बटा 2 को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 को हम 10 से गुना करेंगे 20 और ये 1 जोड़ देंगे, तो कितना होगा 21 बटा 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 पूर्णांक 1 बटा 3, हम 2 और 3 को गुना करेंगे 6 और ये प्लस 1, तो कितना होगा 7 और बट्टा में 3 और ये भागे मझोला कोष्टक 3 बट्टा 4 माइनस 1 बट्टा 2 गुने। तो यहाँ हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तो छोटा कोष्टक में है दोस्तों 2 बट्टा 3 माइनस 1 बट्टा 24, तो यहाँ हम भिन्न का घटाव बनाएंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो 3 और 24 के बीच एलसीएम आएगा दोस्तों 24। तो 24 को 3 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा 8 बार में, तो 8 से हम 2 को गुना कर देंगे, तो 8 दूना 16, तो हम यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 24 को 24 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा 1 बार में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और ये छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक बड़ा कोष्टक माइनस 1 बट्टा 2 गुने। इसे माइनस कर कर हम छोटा कोष्टक को हटा देते हैं, तो 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 और बट्टा में ये 24, तो कोष्टक हट गया छोटा कोष्टक, तो यहाँ बाकी हो गया हमारा मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब हम मझोला कोष्टक को हल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखिए मझोला कोष्टक में माइनस भी है गुना भी है, तो पहले हम किसका काम करेंगे, तो बोर्ड मास के नियम अनुसार, तो पहले हम गुना करेंगे फिर बाद में हम माइनस करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं, माइनस गुना कर लेते हैं दोस्तों, 1 को 15 से गुना करेंगे 15 और 24 को 2 से गुना करेंगे 24 दूना 48, तो 48 हो गया और ये मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक भागे मझोला कोष्टक। यहाँ देखिए इसके हर में 4 और 48 है, तो इसके बीच हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा दोस्तों 48, 12 चौका 48, 12 के पहाड़ा में 48 आता है, तो 48 को 4 से भाग देंगे 12 आएगा, तो 12 को हम 3 से गुना करेंगे 12 तिया 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 माइनस है, तो माइनस लिखेंगे 48 को 48 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 15 को 1 से गुना करेंगे 15 और ये मझोला कोष्टक बड़ा कोष्टक भागे। अब हम यहाँ माइनस कर कर मझोला कोष्टक को हटा देते हैं, तो 36 में से 15 माइनस करेंगे 21 और बट्टा में ये 48। अब कोष्टक भी हट गया मझला कोष्टक, तो क्या बाकी रह गया यहाँ बड़ा कोष्टक। अब हम बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, माइनस 7 बट्टा 3। दोस्तों हम यहाँ भिन्न का भाग बनाएंगे, तो भाग चिन्ह को हम क्या करेंगे गुना के चिन्ह में बदल लेंगे, तो जैसे हम भाग चिन्ह को गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगा, यानी 21 बट्टा 48 48 बट्टा 21 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 21 को कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में 3 बार में, 7 तिया 21, 3 से हम 48 को भी कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में कटेगा 16 बार में, 16 तिया 48, तो यहाँ लिखेंगे हम 16। तो दोस्तों फाइनली यहाँ क्या हो गया 16 बट्टा 3, हम लिखेंगे 21 बट्टा 2 माइनस, यहाँ बाकी हो गया 16 बट्टा में 3। अब हम यहाँ भिन्न का घटाव बनाएंगे, 21 बट्टा 2 माइनस 16 बट्टा 3, तो दोस्तों यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 और 3 के बीच एलसीएम आएगा 6, तो हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम 6, तो हम 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो 3 से हम 21 को गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 63 माइनस 6 को 3 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, तो 6 को तो 16 को 2 से गुना करेंगे 16 दूना 32, तो हम इसे अब माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 और बट्टा में 6, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 31 बट्टा 6। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 3 बट्टा 4 भागे 1 पूर्णांक 2 बट्टा 3 गुने 2 पूर्णांक 1 बट्टा 2 माइनस 1 बट्टा 2 का 1 बट्टा 3। तो यहाँ दोस्तों कोई भी ब्रैकेट नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए का भाग और माइनस का चिन्ह लगा है, तो पहले हम क्या करेंगे बोर्ड मास के नियम अनुसार का काम करेंगे, फिर भाग का काम करेंगे और लास्ट में घटाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारा यहाँ मिश्रित भिन्न है, तो इसे हम अनुचित भिन्न में बदल देंगे और हम यहाँ
का का भी काम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/4 भागे एक पूर्णांक 2/3 है, तो इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और ये प्लस 2, 3 × 2 = 5 और बट्टा में 3 हो जाएगा, गुने इसे भी बदलेंगे तो 2 × 4 + 1 = 5, 5/2 माइनस 1/2 का 1/3। तो हम यहाँ का क्रिया करेंगे तो का मतलब होता है दोस्तों गुना, यानी हम 1/2 गुने 1/3 करेंगे, का मतलब गुना, तो गुना करेंगे 1 और बट्टा में 6, 3 × 2 = 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/6। अब यहाँ देखिए भाग का चिन्ह, गुना का चिन्ह और माइनस का चिन्ह, तो पहले हम क्या करेंगे भाग करेंगे फिर गुना करेंगे और लास्ट में घटाएंगे, तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे 3/4। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है तो इसे हम गुना के चिन्ह में बदलेंगे क्योंकि ये भिन्न का भाग है, तो गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो 5/3 क्या होगा 3/5 हो जाएगा, और ये गुने 5/2 माइनस 1/6। यहाँ देखिए गुना और माइनस का चिन्ह है तो पहले हम गुना करेंगे, यानी इस 5 से हम 5 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, और कोई कैंसिल होगा नहीं होगा, तो हम इसे अब गुना करके लिख लेते हैं, तो ऊपर बाकी हो गया दोस्तों 3 × 3, तो गुना करेंगे 3 × 3 = 9 और बट्टा में 4 × 2, गुना करेंगे 4 × 2 = 8 और ये माइनस 1/6। अब हम माइनस का काम करेंगे तो इसका हर है दोस्तों 8 और 6, तो 8 और 6 के बीच एलसीएम लेंगे तो 6 × 4 = 24 और 8 × 3 = 24, यानी 24 आएगा दोस्तों इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ 24 आएगा, तो 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा 8 × 3 = 24, तो 9 को हम 3 से गुना करेंगे तो 9 × 3 = 27 माइनस 24 को 6 से भाग देंगे तो 4 × 6 = 24, तो 1 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं तो 27 में से 24 माइनस करेंगे 23 और बट्टा में 24, तो दोस्तों 23/24 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों 9/20 माइनस बटा कोष्टक 1/5 प्लस मझोला कोष्टक 1/4 प्लस छोटा कोष्टक 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 के ऊपर रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक से बंद है। तो दोस्तों यहाँ भी हम इसे क्या करेंगे बोडमास के नियमानुसार सरलीकरण करेंगे, तो बोडमास के नियमानुसार पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, प्लस छोटा कोष्टक 5/6 माइनस, यहाँ देखिए रेखा कोष्टक में 1/3 प्लस 1/2 है, तो हम यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो दोस्तों 1/3 प्लस 1/2 का हम भिन्न जोड़ बनाएंगे, तो हम 2 और 3 के बीच एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, तो इस तरह भी आप एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसे हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों अब 5/6, ठीक है, हमने पहले रेखा कोष्टक को हल कर दिया, तो हल करने के बाद 5/6 आया है, तो ये हल हो चुका है, तो इसीलिए हमारा यहाँ से रेखा कोष्टक भी हट जाएगा, तो यहाँ बाकी हो जाएगा छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे, 5/6 माइनस 5/6 इसे हल करेंगे, तो यहाँ तक हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 1/4। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है, तो छोटा कोष्टक में 5/6 माइनस 5/6 है, तो हम यहाँ भिन्न का घटाव बनाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए 5/6 माइनस 5/6 है, ये दोनों बराबर है और माइनस हो रहा है, तो क्या होगा कट जाएगा यानी 0 आएगा, 5/6 में से 5/6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो हम यहाँ से इसे काट सकते हैं। तो देखिए तो छोटा कोष्टक में 0 बाकी हो जाएगा, तो हम 1/4 में प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा 1/4 ही होगा, तो हम यहाँ 1/4 लिखेंगे, छोटा कोष्टक भी हट गया और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है, हमने इसे इतना हल किया तो 0 हो गया। अब हम मझोला कोष्टक को हल करेंगे, तो हम लिखेंगे 9/20 माइनस बड़ा कोष्टक 1/5 प्लस 1/4 को लिख लेते हैं और मझोला कोष्टक को हटा देते हैं, तो यहाँ बाकी हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए हम लिखेंगे 9/20 माइनस ब्रैकेट में 1/5 प्लस 1/4 है, तो हम यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो हम यहाँ भिन्न का जोड़ बनाएंगे
तो 5 और 4 के बीच एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 5 का 20। तो 20 को 5 से भाग देंगे तो 4, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 1, 4 होगा प्लस 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 से हम 1 को गुणा करेंगे तो 5, और ये बड़ा कोष्ठक। अब देखिए हम लिखेंगे 9/20 माइनस, अब इसे प्लस कर कर हम बड़ा कोष्ठक को भी हटा देते हैं, तो 4 प्लस 5 9 और बट्टा में ये 20। तो दोस्तों अब यहाँ भी देखिए 9/20 माइनस 9/20 है और बराबर है, तो अंश को घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9/20। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 0/20, यानी इसका आंसर होगा दोस्तों 0। तो दोस्तों इस प्रकार हम सरलीकरण के सवालों को हल करेंगे बोर्ड मास के नियम अनुसार। दोस्तों सरलीकरण जो है वो बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, तो इसीलिए आपको बोर्ड मास के नियम पता होना चाहिए। बोर्ड मास में पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट में भी हम रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। फिर हम का काम करेंगे, का मतलब गुना, ठीक है। फिर हम भाग का काम करेंगे, फिर हम गुणा का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे और लास्ट में घटाएंगे, ठीक है। तो आपको बोर्ड मास के नियम याद रखना है, अगर आप बोर्ड मास के नियम को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी टाइप के सरलीकरण के सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।